नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ज्ञान। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो चैनल ग्लोबल ज्ञान है उसे कुछ ही समय पहले डीमोनेटाइज कर दिया गया था ड्यू टू रीयूज्ड कंटेंट। तो उसके बाद में इसे फिर से मैंने मोनेटाइज करवाया है और कल ही 18 अप्रैल को यह चैनल फिर से मोनेटाइज हो गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मोनेटाइज हुआ या फिर उसकी पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है, अगर एक बार आपको रीयूज कंटेंट की वजह से आपके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया गया है तो कैसे उसको आप मोनेटाइज करवा सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 3 मार्च को मुझे एक मेल रिसीव हुई यूट्यूब के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि यूट्यूब चैनल ग्लोबल ज्ञान जो है वो मोनेटाइजेशन उसका ख़त्म कर दिया गया है, उसे डीमोनेटाइज कर दिया गया है। और उसके पीछे जो रीज़न बताया गया वो था रीयूज्ड कंटेंट। तो दोस्तों रीयूज्ड कंटेंट की वजह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के जो चैनल हैं उन्हें डीमोनेटाइज कर दिया गया था हाल ही के दिनों में, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी थी वो चेंज हो चुकी थी। और उसके अंतर्गत ये था कि अभी तक क्या था कि जो भी आपकी वीडियो है उसके अंदर अगर कोई रीयूज्ड कंटेंट है तो जिसका ओरिजिनल कंटेंट है वही आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, और अगर आप उसका विरोधाभास करते हैं तभी आपके जो चैनल हैं उसके ऊपर कुछ भी एक्शन किया जा सकता है। लेकिन अभी यूट्यूब ने अपनी जो पॉलिसी चेंज की है उसके अंतर्गत ये है कि अगर आप किसी का भी जो कंटेंट है उसको अगर आप यूज़ करते हैं और वो YouTube के डाटाबेस से अगर मैच कर जाता है तो आपके कंटेंट को रीयूज्ड कंटेंट माना जाएगा और आपके चैनल को हो सकता है डीमोनेटाइज कर दिया जाए, जैसे कि हाल ही के दिनों में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हुआ भी है और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों 3 मार्च को मुझे जो मेल रिसीव हुई उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि चैनल जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया गया है। अब उसके बाद उसमें मेंशन किया गया कि आपके पास में 30 दिनों का समय है, आप चाहें तो अपनी कुछ वीडियो जिन पे आपको डाउट है आप उसे एडिट कर सकते हैं या फिर ऐसी वीडियो जो आपने रीयूज़ की हैं आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैंने भी वैसे ही किए, अपने चैनल के हर एक वीडियो को मैंने बहुत ही ध्यान से बहुत ही बारीकी से मैंने चेक किया और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये रीयूज्ड कंटेंट हो सकता है मैंने उस वीडियो के अंदर उसको एडिट किया, या फिर जो वीडियो मुझे ऐसी लगी कि इस वीडियो में मैं अब कुछ कर नहीं सकता हूं और इसका कुछ पोर्शन ऐसा भी है जो कि बिल्कुल यूज्ड पोर्शन है तो उसे मैंने बिल्कुल डिलीट ही कर दिया। डिलीट करने के बाद में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो वॉच टाइम है उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है और इसके साथ साथ में आपका जो एक प्लेटफॉर्म जो बना हुआ होता है वो भी काफ़ी डाउन हो जाता है। बिल्कुल सेम वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि कुछ वीडियो जब मैंने डिलीट किए तो प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अभी तक जो मैंने बनाया था अपने यूट्यूब चैनल का वो काफ़ी डाउन चला गया, लेकिन उससे भी फिर मैंने हार नहीं मानी और ऐसा जो भी कंटेंट था जिस पे मुझे डाउट था उसे मैंने डिलीट कर दिया या फिर मैंने एडिट कर दिया। अब एडिट करने के बाद में जो 30 दिन का समय था वो ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद में 3 अप्रैल को मैंने फिर से मोनेटाइजेशन के लिए मैंने रीअप्लाई किया दोस्तों। और आप यकीन नहीं मानोगे, इस समय जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना एक महामारी के तौर पर फैला हुआ है और ऐसे टाइम पर सिर्फ 15 दिनों के अंदर जो मेरा मोनेटाइजेशन था चैनल का वो फिर से रीअप्लाई करने के बाद में वो एक्टिवेट कर दिया गया और चैनल को फिर से मोनेटाइज कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों इसमें ये थी कि जो रीयूज्ड कंटेंट जो अभी तक नहीं होता था वो अब हुआ, मतलब कि जो अभी तक इतने सालों से मेरे चैनल पे कोई भी ऐसा क्लेम नहीं आया था रीयूज्ड कंटेंट का, ना ही किसी ने डाला भी था। रीयूज्ड कंटेंट की वजह से आपको कोई भी क्लेम आया है या फिर आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज कर दिया गया है, तो बिल्कुल सेम परिस्थिति मेरे साथ भी थी और मैंने बड़ी ही मेहनत करके एक एक वीडियो को चेक किया, बारीकी से चेक किया और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो रीयूज्ड कंटेंट की कैटेगरी में हो तो मैंने उसमें या तो एडिट किया या फिर उसे डिलीट कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है तो आप भी वैसे ही कीजिए जैसे मैंने किया है। अब ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल जो है वो फिर से मोनेटाइज हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्लोबल ज्ञान यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सारी टैक्स की वीडियो भी अपलोड करता हूँ और साथ के साथ में कुछ ऐसी वीडियोज भी जो आपके लिए काम की साबित हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी समय पहले जब मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि था फेसबुक से ब्लैकमेल तक, तो दोस्तों वो जो वीडियो थी आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के दिनों में काफ़ी सारे 2 से 3 बार मेरे पास ऐसे कॉल्स आ चुके हैं जिनमें पब्लिक ने मुझे बताया कि उनके साथ भी सेम ऐसी ही एक ठगी का खेल खेला गया है। अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियो जो आप देख रहे हैं इस समय, आई बटन आप उसको प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए हो सकता है बड़ी ही काम की वीडियो साबित हो सकती है दोस्तों ये।